Meanwhile, viewers, we've been learning that smog has set in various parts of Delhi, with the air quality deteriorating to poor and very poor categories at a rapid pace over the past few days. Delhi's AQI, or Air Quality Index, has crossed the 300 mark in several areas as the government grapples with rising air pollution ahead of winter. The first stage of the Graded Response Action Plan's restrictions has taken effect in the national capital due to the worsening air quality, and measures such as frequent cleaning of roads with water to reduce dust are underway. My colleague Aditya Kumar joins us from New Delhi. Aditya, take our viewers through which are the worst impacted areas at this point in time. वहाँ सबसे ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि जैसे जब जब से दुर्गा पूजा खत्म हुआ और वो सारे जो इवेंट्स थे वो खत्म हुए, उसके बाद लगातार जो है आनंद विहार में 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स पार ही रहा है। अभी अगर हम बात करें तो आज और कल में 300 350 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स आनंद विहार का रह रहा है। उसके बाद द्वारका की तरफ ज्यादा रह रहा है, उसके बाद पंजाबी बाजू दिल्ली का इलाका है वहाँ 300 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। और ये मानवीय शरीर के लिए किस तरीके से हानिकारक है, समझिए कि जिस तरीके से जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद जो दिल्ली का आरएमएल अस्पताल है उसने सबसे पहले डेडिकेटेड एक अपना हॉस्पिटल जो है एयर पोल्यूशन रिलेटेड वो शुरू किया है, ओपीडी शुरू किया है, डॉक्टर वहां बैठ रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि लोग आ रहे हैं, प्रभावित होकर के लोग वहां आ रहे हैं। अब समझिए दिल्ली में मैं अभी मास्क लगा के घूम रहा हूँ, जब भी मैं जहां पर भी रुकता हूँ या वहां पे डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बिना मास्क के आप मत जाइए। तो दिल्ली के इलाके जहां भी इंडस्ट्रियल इलाके जहां जहां ज्यादा है, जहां मानव की मानवीय जो असंख्या है वो ज्यादा, पॉपुलेशन जहां ज्यादा है वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आम लोगों के ऊपर भी इसके स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ रहा है। साथ ही अगर बात करें और किस दिल्ली से सटे और कौन से जिले या कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में गाजियाबाद का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां सबसे ज्यादा खराब पाया जा रहा है। उसके बाद वैशाली का जो इलाका है वो भी सबसे ज्यादा दूषित जो है वो पाया जा रहा है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 250 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 270 से लेकर के 280 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स रह रहा है। ये स्थिति पूरी दिल्ली एनसीआर की है। अगर हम बात करें स्पीड कितनी है हवा की, क्योंकि हवा एक बहुत ही बड़ा मैटर करता है कि किस तरीके का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके शहर में है, आपके आस पड़ोस में है। तो हवा जो है वो 20 से 30 प्रति किलोमीटर के रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा तेज हवा होती है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं PM 2.5 या PM 10 जो होते हैं, वो उसके कण जो होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं या एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं, वो वातावरण रुकता नहीं है, जिससे कि साफ होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स साफ होता चला जाता है या खराब होता चला जाता है। तो देखा यह जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब बहुत ज्यादा है, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है दिल्ली एनसीआर में वो बहुत ज्यादा है। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, 210 दिन की बात करें, 210 या 200 के आसपास की जो बात करें, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बहुत ही साफ रहा है, क्योंकि इस बार मानसून बहुत अच्छा रहा है। मानसून की वजह से जो बारिश है, बारिश बहुत अच्छी हुई है। बारिश होने के बाद जो भी वातावरण में धूल के कण थे वो सेटल डाउन हो चुके थे, आ चुके थे नीचे की तरफ, उस वजह से बहुत ही साफ सुथरा जो वातावरण था वो था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे ग्रैप वन लागू किया गया है और जैसे हम दीपावली की तरफ बढ़ रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। ग्रैप वन लगाया गया है, आप समझिए इस तरीके से देवघर की स्थिति कैसी है कि किसी क्षेत्र में, क्योंकि ग्रैप वन लागू होने का जो नियम होता है वो ये होता है कि 201 से ऊपर और 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके क्षेत्र का है तो वहां पर ग्रैप लगाया जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात करें, पूरे दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह के अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको आनंद विहार की, तो आनंद विहार में ऑलरेडी 300 350 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि वो ग्रैप 2 से भी क्रॉस कर चुका है। ग्रैप 1 या 301 से ऊपर जब स्थिति जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ग्रैप 2 लगाया जाता है, जो कई सारे बंदिशें लगाई जाती हैं, जिस तरह ग्रैप 1 में बंदिशें लगाई गई हैं, लेकिन वहां पर ग्रैप 1 के ही तहत कार्यवाही हो रही है। साथ ही अगर बात करें रोहिणी की तरफ की, तो वहां पर भी स्थिति वैसी है। अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, सेंट्रल दिल्ली हमेशा पोल्यूशन फ्री रहा है, ज्यादा पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि एनडीएमसी का इलाका है, ज्यादा साफ सुथरा रखा जाता है। एनडीएमसी एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो इस तरीके पर पूरा फ्री होकर काम करती है, एमसीडी ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाती है, वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी खराब देखा जा रहा है। तो ये स्थिति दिल्ली एनसीआर की है, एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी क्षेत्र में ज्यादा है, किसी क्षेत्र में बहुत कम है,
गया वन में जो बंदिशें लगाई गई हैं आम लोगों को उसका लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं, लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है जब गया वन की नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसके अनुसार सड़कों पे धूल भरी जहां धूल भरे हुए वहां पे पानी के छिड़काव करना था, लेकिन मैं अब देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सड़क है लेकिन आपको कोई भी पानी के छिड़काव स्थिति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे किया ही नहीं गया है, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में जो है और कुछ समय जो है उस तरीके से लगाए जाते हैं। ये स्थिति दिल्ली एनसीआर की है। उसके साथ ही कई ऐसे वाहन हैं जो BS4 हैं या BS4 से पहले के हैं, उनको दिल्ली में एंट्री बैन की गई है, लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी रोकने को आपको नहीं मिलेगा। जो नोएडा से आने वाले लोग हैं या गाजियाबाद से आने वाले लोग हैं उनको रोकने वाला, उनको बैरिकेड करके उनकी जांच करने वाला कोई आपको पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरीके की स्थिति है पूरे दिल्ली अंदर। जी देविका। ओके ऑल राइट Aditya, thank you so much for joining us on the broadcast. Meanwhile, we also are learning, and let's in fact quickly listen into what one of the residents have had to say on the current situation. आज थोड़ा सा ठंडा है मौसम में और थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ, रोज डेली करते हैं मॉर्निंग वॉक। लोगों को ये टिप्स देना चाहते हैं कि थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करें, अगर प्रदूषण बढ़ता है थोड़ा मास्क का इस्तेमाल करें। Shifting our focus, Israeli army has released new footage of